हेलो मैम, दिस इज ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? आई नो एग्जाम्स आपके चल रहे हैं एंड यू नो धक 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 मुझे हो रखा होता है। और जब मैं पूछ रही हूँ ना कैसे हैं आप सब, तो लाइक पता है मुझे कैसे होंगे अभी, लेकिन आई नो बहुत अच्छे एग्जाम जा रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पेपर है ऑडिट का एंड वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, एक काम करते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं कि बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आके रिवाइज किस तरीके से करें। ठीक है, देख तेरे पास टोटल 1.5 डे है, पेपर देके आते हो 5, चल 6 बजे तक घर आ पाते हो तुम लोग। अब 6 बजे आए हो तो मैं मान रही हूँ कि तुम एटलीस्ट 2 ढाई 3 घंटे तो रेस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ 3 घंटे का रेस्ट इज सफिशियंट। 9 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, 9:15, राइट, जिस दिन आ रहे हो। बेटा देख, पेपर से ना पहले हर एक मिनट इम्पॉर्टेंट है, और इस हर एक मिनट में हमारे दो टारगेट हैं। क्या टारगेट हैं? पहली चीज, सिलेबस का पूरा रिवीजन करना। एक तो प्लीज बच्चों एक चीज समझ लो, पेपर से एक दिन पहले ना क्वेश्चन आंसर एकदम डिटेल में मत करने बैठना किसी भी सब्जेक्ट में। सिर्फ कॉन्सेप्ट ब्रश अप करने हैं, तुम्हें सब कुछ आता है, बस वो मेंटली आपको लगता है साइकोलॉजिकल कि अरे हम सब भूल गए। ठीक है, तो पहली चीज तुम्हें सिर्फ टॉपिक ब्रश अप करने हैं, फिर ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। पेपर से पहले जितना भी तुम्हें 1.5 दिन मिलता है ना, उसके अंदर तुम्हारे दो काम है। क्या? सिलेबस ब्रश अप करना पहली चीज, दूसरा काम रहना, मतलब शांत रहना, घबराहट मत करना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। जस्ट जो हो रहा है उसको अच्छे से शांति से करते रहो, जितना आराम कर सको और जितना काम कर सको, उन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना है इस 1.5 दिन के अंदर। ठीक है, जिस दिन आते हो ना, मैं कह रही हूँ उस दिन आके रात को रेस्ट करने के बाद सुबह होने से, मतलब नेक्स्ट डे से पहले, मतलब यार देख तुम 6 बजे तक घर भी आते हो, उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे रेस्ट करने के बाद 9:30 बजे भी पढ़ने बैठते हो ना, तो आई थिंक तुम 12 बजे तक ना बस ये दो चैप्टर कर लेना, बिकॉज दे आर इम्पोर्टेंट। कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट दोनों से मिला के ना ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 मार्क्स का कवर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जिस दिन आओगे ना उस दिन ये दो टारगेट रहेंगे। अब तुम 12, 12:15 या 12:30 तक सोए हो, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार ठीक है 8:30 बजे तक तो उठोगे, इतनी नींद चाहिए। मतलब 12 बजे सो रहे हो तो मान के चलूंगी 8 बजे उठोगे, 12:30 सो रहे हो तो 8:30 उठोगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा तुमने एक एक और चीज, किसी टॉपिक में मैं ये नहीं कह रही कि 2 घंटे लगा देना टारगेट के चक्कर में ना, ये नहीं है कि 10 मिनट बचाने के चक्कर में पूरा टॉपिक खराब कर दो। थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना कि सब कुछ समझ में आता जाए, सब कुछ रिवाइज होता जाए। ठीक है, मतलब अगर 8 बजे का टारगेट है ना, तो इतना मार्जिन लेके रखना कि उसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सके। ठीक है, मैं ये नहीं कि पूरा डिटेल पढ़ने लग जाओ, लेकिन स्टिल अब भी थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए कि किसी टॉपिक में या कुछ भी है। और दूसरा, हमें खाली ब्रश अप करना है, तो जिस दिन आओगे ना उस दिन रात को बैठ के ऑडिट रिपोर्ट और कंपनी ऑडिट निपटा लेना। ठीक है, तुम्हारा 25 से 30 नंबर का हो जाएगा, चल मैं 25 नंबर का मान के चलती हूँ, तुम्हारा 25 नंबर का हो जाएगा कवर। ठीक है, उसके बाद सुबह उठ के जो चैप्टर पहले करोगे ना, दैट इज ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऑलमोस्ट 15 नंबर का पेपर में आता है, और बच्चे इसको सोचते हैं हम करेंगे लास्ट डे एकदम सुबह, मतलब जिस दिन पेपर है उस दिन सुबह 11 बजे। मत करो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के करना, 1.5 से 2 घंटे में मैक्सिमम हो जाएगा। ज्यादा लगे तो यूट्यूब पे इसका रिवीजन वीडियो है, उससे भी आपको बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 1.5 से 2 घंटे में ये कवर कर लो। 8:30 बजे उठे, 9 बजे भी पढ़ने बैठे, 11 बजे तक आराम से ये खत्म हो सकता है, राइट? अब क्या है, तुम लोगों ने कंपनी ऑडिट निपटा लिया, तुम लोगों ने ऑडिट ऑफ आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लिया सुबह 11 बजे तक। मतलब तुम्हें एक इम्पोर्टेंट, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वेटेज से भी इम्पोर्टेंट है और लेंथ में भी इम्पोर्टेंट है, मतलब बड़े हैं, वो कवर कर चुके हो। अब 11 बजे से लेके 8 बजे तक, मान के चलती हूँ 7 बजे तक, 11 बजे से लेकर 7 बजे तक, 8 घंटे हैं आपके पास। आप ये 8 चैप्टर तो बहुत प्यार से कर लोगे, इसके अंदर तुम ब्रेक भी ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने बहुत मतलब मैंने जो इतने प्लान बता रही हूँ ना, कुछ ऐसा नहीं है कि फेक है या प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है।
मतलब 8 घंटों के अंदर 8 चैप्टर। सर आपका फ्रॉड छोटा चैप्टर है, सैम्पलिंग छोटा चैप्टर है, एनालिटिकल प्रोसीजर छोटा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर तुम्हारा छोटा है, मतलब 8 में से 4 चैप्टर तो बहुत छोटे हैं, इनपे 1 1 घंटा लगेगा ही नहीं। ठीक है, बात समझ पा रहे? फर्स्ट चैप्टर भी छोटा ही है, उसमें कुछ बहुत टेक्निकल है नहीं, राइट? ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट छोटा है लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसीलिए तो तुम्हारे पास 8 बजे तक, मतलब इवन 7 के बजाय तुम 7:30 बजे तक भी खत्म कर लोगे। मतलब इसमें मैं कह रही हूँ कि तुम्हें छोटा मोटा ब्रेक भी लेना है, हर चैप्टर के बाद, हर 1-1.5 घंटे के बाद तुम 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो, वो सब ले लोगे ना, उसके बाद भी तुम्हारा ये चैप्टर 11 से लेके 8 बजे तक खत्म हो जाएगा, राइट? उसके बाद सर टेक 1/2 घंटे का ब्रेक, आराम से खाना वाना खाओ, फिर 8:45 9 o'clock तक ना अपना ऑडिट, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ठीक है, एंड बैंक ऑडिट, ये 2 चैप्टर बचेंगे, 12 बजे तक तुम ये खत्म कर लोगे, क्लियर? 12 बजे सो जाओ, सुबह वही उठना 8 बजे, इनको पढ़ते हुए अगर कहीं पे कुछ पहले ही जो इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है, जो तुम्हें कुछ देखना है वो देख लो, RTP देख लेना, ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह तुमने मार्क करके रखे होंगे वो देख लेना, किसी टॉपिक में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी अगर तुमने वो मार्क कर रखा होगा वो सब चेक कर लेना, मतलब सुबह फिर खाली जो अभी तक पढ़ा उसमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना उसको बस ब्रश अप करते जाना और RTP वगैरह देख के जाना। 8 बजे उठ रहे हो, सफिशियंट नींद है, सारा सिलेबस बहुत प्यार से खत्म हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना, बस आराम से करना, ठीक है, राइट? एंड हाँ, कल पेपर है, ऑडिट के पेपर में एक प्रॉब्लम होती है भाई, मैं हर क्लास में ये बात बोलती हूँ बट क्या करूं, बच्चे गड़बड़ ही यहाँ करके आते हैं कि प्लीज अपना आंसर लिख के आने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और बार बार पढ़ना। जो वो 15 मिनट मिलेंगे ना स्टार्टिंग के 15 मिनट, उसमें एक बार क्वेश्चन आंसर सारे सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऑडिट में 80% गलती क्या होती है, बच्चे आंसर सही नहीं लिख के आते बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं समझा होता कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना फिर अपने आंसर राइट करना, राइट? ठीक है, ओके सर, चलिए, ऑल द बेस्ट, आई नो आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, बस सिंसियरिटी के साथ फटाफट अपने एग्जाम खत्म करो, क्लियर? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय। एंड हाँ, प्लीज पेपर कैसा गया मुझे पक्का बताना, बिकॉज पेपर तुम्हारे हैं लेकिन दिल यहाँ घबरा रहा होता है, क्लियर? चलिए, टाटा।